हरि ओम नमः शिवाय रुद्र पाण्डवाय ठीक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा बीच में अभी डिप्टी चीफ काउंसिलर है, हमारा पीएमसी का चीफ काउंसिलर है, हमारा काउंसिलर से और हमारा ये शिव मंदिर का कमेटी मेंबर्स भी है। ये तो मैं पहले यही बताना चाहूँगा, जिस जगह हम है ये हमारा नया शिव मंदिर है जो उसका स्थापना 2022 अप्रैल 6 को किया था, और ये शिवलिंग हम लोग का पंडित है जो अभी पूजा कर रहा है वहाँ में, वो आइडेंटिफाई किया था 2021 अक्टूबर को। तो काफ़ी तकलीफ का बात, काफ़ी मेहनत का बात, हमारा डिप्टी चीफ काउंसिलर का सहायता से ये शिवलिंग हम लोग यहाँ में स्थापना किया, जैसे हम बताया कि अप्रैल 6 को। तभी यहाँ में दर्शन चल रहा है, तो यहाँ में काफ़ी पब्लिक भी आया हुआ है, सिर्फ पासीघाट का नहीं बाकी दूर दराज इलाका से भी आया हुआ है। तो इसी के साथ मैं अभी बोलबम का बारे ये कहना चाहूँगा कि ये बोलबम तो हमेशा पासीघाट में सबसे पुराना शहर माना जाता है, या तो कंटिन्यू हो रहा है, और बोलबम करना चाहिए, अपना विश्वास है, अपना रिलीजन है, लेकिन साथ में ये भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा सिविक हाइजीन। जैसा अभी बोलबम काफ़ी दूर से हम लोग वॉकिंग कर कर आता है, इसमें हमारा मान के चलिए वो पानी पीने के लिए बॉटल वो तो यूज़ करता है, लेकिन मेरा ये आप सभी को स्पेशली बोलबम वाला को ये अनुरोध है कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एम्प्टी बॉटल हो या पैकेज हो, इधर उधर नहीं फेंकना है, एक सर्टेन जगह एक लोकेशन में कर लीजिए, वहाँ एक इकट्ठा कर लीजिए, ताकि हमारा अर्बन एरिया में जो हमारा म्यूनसिपलिटी का टीम है उसका क्लीनलीनेस ड्राइव जो डेली कर रहा है वो लोग को करने के लिए भी सुविधा देना पड़ेगा, और वो सुविधा तो काउंसिलर की तरफ से तो दे ही रहा है, लेकिन ये अनुरोध है कि उधर उधर बोलकर मत पकिए, एक सिविक हाइजीन मेंटेन करिए, और ये वॉल्वम आप लोग बरकरार रखिए, और हमारा तरफ से सभी को आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ वॉल्वम वाला को, और अपना रीति रिवाज को बरकरार रखिए, ये हमारा एक मैसेज है सबको।